कोर ऑफ सिग्नल्स की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती है। इस विख्यात टीम के सदस्य प्रतिभाशाली और होनहार संदेशवाहक हैं, जो ना केवल अपने कार्य में माहिर हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, एकाग्रता, अतुलनीय साहस एवं शारीरिक बल कूट-कूट के भरा हुआ है। ये टीम दिल की धड़कनों को रोक देने वाले ऐसे करतब दिखाती है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। एक अधिकारी, एक जेसीओ और 33 जवानों से सुसज्जित इस टीम की कमान कैप्टन दिशांत कटारिया के मजबूत वे जोशीले हाथों में है। इसका अतीत समृद्ध और गौरवशाली है। हमारे देश में संदेशवाहक का प्रथम प्रदर्शन जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी की राज अभिषेक की रजत जयंती समारोह पर शिमला में सन 1935 में हुआ। फिलहाल इस टीम के रोमांचकारी किस्सों को शब्दों में वर्णन करने से बेहतर इनका प्रदर्शन देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगले 20 मिनट तक अपने दिल को मजबूत कर लें, क्योंकि अब मैदान में आ रहे हैं सबका दिल जीतने के लिए इंडियन आर्मी के डेयरडेविल्स। इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कैप्टन दिशांत कटारिया के नेतृत्व में और उनका साथ दे रहे हैं 12 बहादुर जाबाज डेयरडेविल्स, जो सलामी मंच पर बैठे अतिथि गणों का अभिनंदन ओपनिंग सैल्यूट करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ, जिसमें कोर ऑफ सिग्नल्स का प्रतीक जिमी, जो कि धरती से आसमान तक की संचार व्यवस्था को दर्शाता है, इसे लेकर आ रहे हैं हवलदार एस के जेना। फ्लाइंग एंजल अब आपके सामने चील के समान फूर्ती और स्फूर्ति को दर्शाते हुए फ्लाइंग एंजल में अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करते हुए हवलदार एस के सिंह अपने उत्कृष्ट कार्य का उम्दा उदाहरण पेश कर रहे हैं। इस टीम के सभी सदस्य अद्भुत प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें हर समय खतरों से जूझना पड़ता है। ऐसे ही एक कठिन कर्तव्य है टैंक टॉप। चलती मोटरसाइकिल पर टैंक के ऊपर खड़े होकर संतुलन के साथ आ रहे हैं लांस नायक मिसाल जीबी। शत्रुजीत अगली प्रस्तुति है शत्रुजीत। अपने लक्ष्य को भेद कर शत्रु पर जीत हासिल करने के लिए आ रहे हैं हवलदार संदीप कुमार और 3 साथी डेयरडेविल्स। डेविल्स डाउन। इस प्रदर्शन की अगली अद्भुत आकृति डेविल्स डाउन का नजारा लेकर आ रहे हैं हवलदार सिरंजीवी एन और 2 साथी डेयरडेविल। ये शानदार प्रदर्शन सभी जवानों के दृढ़ निश्चय, साहस, सहयोग और कुछ कर गुजरने की इच्छा का प्रतीक है। सिग्नल फाइटर आपने भारतीय वायुसेना में बहुत से फाइटर प्लेन्स देखे होंगे, लेकिन अब देखिए भारतीय थल सेना के सिग्नल फाइटर तीव्र गति से संचार प्रस्तुत करते हुए। इसे लेकर आ रहे हैं हवलदार ऐश्वर्या राव टी और 6 डेयरडेविल्स। हवलदार गमीत परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल गजब के करतबों से हमारा मनोरंजन करते हुए। दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि डेयरडेविल्स टीम का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का पुराना इतिहास है। आज तक इस टीम ने
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 27 उपलब्धियां शामिल की हैं। अब आपके सम्मुख ज्वालामुखी के समान आग की लपटों से बीच से मोटरसाइकिल निकालते हुए कैप्टन दिशांत कटारिया। इस प्रस्तुति के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और ये बहादुर डेयरडेविल्स इस बात का उदाहरण है। हैंडल बार राइट। आज आप मोटरसाइकिल के चालक नायक जय कुमार को हैंडल बार पर बैठकर मोटरसाइकिल चलाते हुए देख सकते हैं। श्रृंखला में अगली कार्रवाई है न्यूज़पेपर राइड। डेयरडेविल्स के जवान अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने आप को देश और दुनिया की खबरों से परिचित रखते हैं। ये जवान अपनी चलती हुई मोटरसाइकिल पर समाचार पत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसे पेश किया था नायक अतिंदर पाल सिंह। रिवर्स साइड बैलेंस अभी आपके सामने प्रस्तुत है। संतुलन का अद्भुत नमूना, विपरीत दिशा में बैठकर मोटरसाइकिल के संतुलन का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। डबल जिमी, इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स का चिन्ह जिमी, जिसे दो आकृतियों में दर्शाते हुए गजब के संतुलन के साथ लेकर आ रहे हैं हवलदार सदानंद मोहिते और नायक डीडी चोपड़े। डाइविंग ईगल अभी आपके सामने। डाइविंग ईगल, ये प्रतिबिंब अपने शिकार को लेकर उड़ते हुए जा रहा है। इस करतब में जान डाल रहे हैं हवलदार सिरंजीवी और सिग्नलमैन आशु सिंह। अभी देखिए थ्री मैन बैलेंसिंग राइड। तीन डेयरडेविल्स के द्वारा मोटरसाइकिल की गति के अनुरूप संतुलन बनाते हुए हवलदार अनिल कुमार और दो साथी डेयरडेविल। थ्री मैन हैंडल बार राइड। अब अगला प्रदर्शन है थ्री मैन हैंडल बार राइड। चलती हुई मोटरसाइकिल के हैंडल बार पर बैठकर दो साथी डेयरडेविल्स के साथ तालमेल और अद्भुत संतुलन बनाने की कला को दर्शाते हुए हवलदार संदीप कुमार और दो डेयरडेविल्स। अभी देखते हैं द मर्करी स्पीक। भारतीय सेना की संचार व्यवस्था को चारों दिशाओं में संचरण में दर्शाती हुई ये आकृति, जिसे पेश कर रहे हैं हवलदार ईश्वरा राव और छह साथी डेयरडेविल्स। अब अगला प्रदर्शन है कमांडो। दुश्मन के ऊपर निगरानी के साथ अपनी सुरक्षा को दर्शाते हुए हवलदार ए रमन्ना और सात डेयरडेविल्स। हवलदार गमीत परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल हमारा मनोरंजन करते हुए। इस टीम ने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड सन 1991 में हासिल किया, जिसमें उन्होंने 7 मोटरसाइकिल पर 40 डेयरडेविल्स का मानव पिरामिड बनाया था।
मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठकर 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 21 मिनट 3 सेकंड में पूरा कर विश्व कीर्तिमान हासिल किया। सोलो लैडर, अभी देखिए सोलो लैडर, मोटरसाइकिल के सीट पर बंधी हुई 12 फीट की सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर सवारी करते हुए डेयरडेविल ऐश्वर्या राव टी। ये आ गया मंकी लैडर, मोटरसाइकिल के लैडर के ऊपर खड़े होकर राइडिंग करते हुए आपके सामने हवलदार सुजीत मोंडल और नायक डीडी चोपड़े। डिफेंस शील्ड, अगली प्रस्तुति है डिफेंस शील्ड। भारतीय सेना के द्वारा जिस तरह पूरे देश को एक सुरक्षा का घेरा प्रदान किया है, ऐसी आकृति को दर्शाते हुए आ रहे हैं हवलदार डी के बेहरा और 5 डेयरडेविल्स। अभी देखिए लोटस, हमारे देश के राष्ट्रपुष्प कमल के फूल की आकृति बनाकर अपनी कला और कौशल को प्रस्तुत कर रहे हैं नायब सूबेदार प्रताप सिंह और 10 साथी डेयरडेविल्स। निरंतर अभ्यास, सहयोग, लगन, कठिन परिश्रम के द्वारा ही इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। अभी आपके सामने आ रहे हैं मर्कुरीज प्राइड, भारतीय सेना के संचार व्यवस्था को चारों दिशाओं से दर्शाती हुई ये आकृति, जिसे लेकर आ रहे हैं हवलदार संतोष पवार और उनके साथ 9 साथी डेयरडेविल्स। सात अक्टूबर 2014 को मानवीय क्षमताओं को अपनी सीमा के पार ले जाने का एक अद्भुत प्रदर्शन, जिसमें 13 मिनट में नायक दिलीप बेहरा के पेट से 240 किलोग्राम वजन के राइडर और बाइक को 1200 बार चढ़ाया गया। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर डेयरडेविल्स टीम ने 10,700 फीट की ऊंचाई पर मोटरसाइकिल से जोखिम भरा प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। अब देखिए डेयरडेविल्स जंप। अब आपके सामने टीम के बीच समन्वय और भरोसे को दर्शाते हुए ये करतब, जिसे दिखाएंगे कैप्टन दिशांत कटारिया। कैप्टन दिशांत कटारिया, सतत अभ्यास, कठिन परिश्रम, धैर्य और संतुलन के द्वारा ही जोखिम भरे कारनामों को कल्पना से वास्तविकता में बदला जा सकता है। इस टीम में शामिल होने के लिए कई सैनिक इच्छुक होते हैं, लेकिन सिर्फ वो राइडर जो 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में खरे उतरते हैं, उन्हें ही डेयरडेविल्स कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। अब आपके सामने अगली प्रस्तुति पिरामिड। ये मानव पिरामिड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कैप्टन दिशांत कटारिया और उनकी टीम।
इस टीम ने 21 दिसंबर 2013 को टीम कैप्टन मेजर अभयजीत अल्हावत के नेतृत्व में 13 मोटरसाइकिल पर 304 डेयरडेविल्स ने दुनिया का सबसे विशालकाय मानव पिरामिड बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। दर्शकों, आज आपने ये अद्भुत प्रदर्शन देखा। इस करतब को करने के लिए डेयरडेविल्स प्रचंड साहस प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि टीम के हर सदस्य के मन में साहसिक और रोमांचकारी प्रदर्शन करने की इच्छा सदैव बनी रहती है। अब ये डेयरडेविल्स की पूरी टीम आपके सामने से गुजरते हुए अगले मुलाकात तक आपके हृदय में अपने यादों को संजोते हुए आपसे विदा लेंगे। द डेयरडेविल्स टीम। प्रदर्शनी से अब चलते हैं वायु सेना की ओर।